लखनऊ दौन विकासखंड मुख्यालय में दिल्ली से आई एक महिला का सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि महिला में अभी तक कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए हैं। प्रशासन ने महिला के संपर्क में आए लोगों की पूछताछ शुरू कर दी है। सिवनी कलेक्टर राहुल हरिदास ने बताया कि बीते 13 जून को एक महिला दिल्ली से जबलपुर होते हुए लखनऊ दौन पहुंची थी, जिसके आने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 14 जून को कोरोना सैंपल लिया और लखनऊ दौन से यह सैंपल जाँच के लिए जबलपुर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि महिला लखनऊ दौन में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी तथा धनौरा विकासखंड के ग्राम सलेमा में पहुंचकर उक्त कार्यक्रम में शामिल हुई थी। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा उक्त महिला के संपर्क को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला में कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। अपनी एक शादी अटेंड करने के लिए और उसी तारतम्य में उनका जो है यहाँ पर रैंडम हिस्ट्री के बेस पे, उनको कोई सिम्टम नहीं था, हिस्ट्री के बेस पे उनका जो है रैंडम सैंपल लिया गया। और रैंडम सैंपल लेने के बाद जो है वो, चूँकि वो महिला और उनका जो परिवार है वो परिवार दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ वर्तमान में उनके घर में ताला लगा हुआ है और वो दिल्ली दूसरे दिन जो है वो लौट गए और उनकी जो है रिपोर्ट जो है रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। तो उस महिला और उनका परिवार जो है जिन जिन से यहाँ कॉन्टैक्ट में आए हैं उन सभी लोगों को ट्रेस करते हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही जहाँ जहाँ वो गए हैं उनका जो घर और उसके आसपास जो एरिया है उसको जो है बंद कर दिया गया है चारों तरफ से, और जो है इनको संबंधित जो उनकी हिस्ट्री लेने के अनुसार जिन जिन लोगों से उनके संपर्क आए हैं, चाहे वो बाजार हो चाहे वो जहाँ पर शादी के लिए, उन सबकी लिस्टिंग के अनुसार उन सबको भी होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।